A very good morning to all of you. Good morning, sir. Our last topic was private placement of shares. Bolo, koi doubts hai kya? No, sir. Now on page number 2.12, one more topic is there, sweat equity shares. But a Companies Act 2013, इसके अंदर सेक्शन 54 के अंदर गिवन है कि अ कंपनी कैन इश्यू स्वेट इक्विटी शेयर्स. अब व्हाट डू यू मीन बाय स्वेट इक्विटी शेयर्स? स्वेट इक्विटी शेयर्स मीन्स इक्विटी शेयर्स इश्यूड बाय द कंपनी either to its employees or the directors of the company या तो कंपनी अपने employees को issue कर सकती है या directors को issue कर सकती है. किस rate पे? At a discount, discounted price के ऊपर, at a discount or for consideration other than cash, या cash के बदले किसी और consideration के लिए. अब वो consideration क्या होगा? कोई asset देगा employee? Answer is no. For providing any know-how, कोई knowledge share कर रहा है employee company के साथ. For providing any know-how or intellectual property rights, यानी employee कोई innovation कर रहा है, कोई technology जो उसने खुद develop की है, create की है, वो company को provide करा रहा है और company को वो जो technology है, वो जो innovation है, वो valuable लग रहा है कंपनी के बिजनेस के लिए, वो बेनिफिशियल लग रहा है, तो कंपनी उस शेयरिंग ऑफ टेक्नोलॉजी के लिए, उस शेयरिंग ऑफ नॉलेज के लिए एम्प्लॉय को या कंपनी के डायरेक्टर्स को क्या इशू कर रही है? शेयर्स, इक्विटी शेयर्स ऑफ द कंपनी. तो स्वेट इक्विटी शेयर्स मीन्स इक्विटी शेयर्स इश्यूड बाय द कंपनी आइदर टू इट्स एम्प्लॉयज और डायरेक्टर्स एट अ डिस्काउंट, या तो डिस्काउंट के ऊपर, अगर डिस्काउंट पे दे रहे हैं यानी फॉर कैश इशू कर रहा है, एट अ डिस्काउंट और फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, फॉर प्रोवाइडिंग एनी नो हाउ और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स. बोलो क्लियर है? सच शेयर्स, अब जैसे हमने पढ़ा था प्राइवेट प्लेसमेंट में कि फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट द अलॉटी कैन नॉट सेल देयर होल्डिंग फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years. इन द सेम वे स्वेट इक्विटी शेयर्स ऑल्सो कैन नॉट बी सोल्ड बाय द एम्प्लॉयज और डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट विद इन अ पीरियड ऑफ 3 years. इस टाइम पीरियड को क्या कहेंगे? लॉक इन पीरियड. लॉक इन पीरियड. अब क्या स्वेट इक्विटी शेयर्स को एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है? क्या स्वेट इक्विटी शेयर्स इनके नॉमिनल वैल्यू या फेस वैल्यू से लोअर प्राइस पे भी कंपनी इशू कर सकती है? Answer is yes. It is to be noted that a company may issue sweat equity shares at a price lower than the nominal value of equity share. यानी अगर शेयर की वैल्यू, फेस वैल्यू 10 rupees है, ये 10 rupees का शेयर है, इसकी नॉमिनल वैल्यू 10 rupees है, तो कंपनी इसको 6 rupees, 5 rupees, 3 rupees पर शेयर पे भी इश्यू कर सकती है. इट इज अलाउड. अब स्वेट इक्विटी शेयर्स को इश्यू करने की जो जर्नल एंट्रीज होती हैं वो सेम ही होंगी, आइडेंटिकली होंगी लाइक इश्यू ऑफ अदर इक्विटी शेयर्स. जो कंपनी जर्नल पब्लिक को इश्यू करे या प्राइवेट प्लेसमेंट में किसको इश्यू करे, प्रमोटर्स को या फिर उनके रिलेटिव्स को, उनके फ्रेंड्स को, तो उस केस में, प्राइवेट प्लेसमेंट के केस में हो, चाहे पब्लिक सब्सक्रिप्शन के केस में हो, या फिर स्वेट इक्विटी शेयर्स हों, जो जर्नल एंट्रीज हैं रिलेटिंग टू इश्यू ऑफ शेयर्स विल रिमेन द सेम. बोलो बच्चों, क्लियर है स्वेट इक्विटी शेयर्स? यस सर. यस सर. नाउ नेक्स्ट पेज पे आपको गिवन है पब्लिक सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स. पब्लिक सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स, प्राइवेट प्लेसमेंट हमने पढ़ लिया. मैंने लास्ट क्लास में आपको पढ़ाया था कि शेयर्स कैन बी इश्यूड इन 3 ways, फॉर कैश, प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स. नाउ नेक्स्ट पॉइंट,
फॉर कैश पब्लिक सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स. फॉर कैश पब्लिक सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स. जब एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी जनरल पब्लिक को शेयर्स ऑफर करती है टू सब्सक्राइब इट्स शेयर्स एंड डिबेंचर्स, दैट इज कॉल्ड एज पब्लिक सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स. क्या एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जनरल पब्लिक को इनवाइट कर सकती है? आंसर मी, यस सर. क्या एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जनरल पब्लिक को अपने शेयर्स या डिबेंचर्स सब्सक्राइब करने के लिए इनविटेशन दे सकती है? नो सर. नो, ठीक है ना, याद रखना नो. अब जब एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी जनरल पब्लिक को ऑफर देती है टू सब्सक्राइब फॉर इट्स शेयर्स और अदर सिक्योरिटीज, तो फोर स्टेप्स होते हैं. फर्स्ट स्टेप इज टू इश्यू प्रॉस्पेक्टस. स्टेप नंबर सेकंड इज टू रिसीव एप्लीकेशन मनी. टू रिसीव एप्लीकेशंस फ्रॉम जर्नल पब्लिक. और एप्लीकेशंस के साथ एप्लीकेशन मनी भी रिसीव होगी, ठीक है ना. स्टेप नंबर थर्ड टू मेक अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स. एंड स्टेप नंबर फोर टू मेक कॉल्स. स्टेप नंबर फर्स्ट की अगर बात करें टू इश्यू प्रॉस्पेक्टस, एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी जब पब्लिक सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स निकालती है यानी जनरल पब्लिक को इनविटेशन देती है टू सब्सक्राइब फॉर इट्स शेयर्स एंड अदर सिक्योरिटीज ऑफ द कंपनी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कंपनी एक प्रॉस्पेक्टस इश्यू करती है. प्रॉस्पेक्टस का मतलब होता है विवरण पत्र. इसमें कंपनी अपनी सारी डिटेल्स देती है कि कंपनी का बिजनेस क्या है, कंपनी का जो कंपनी का मेन ऑफिस है, रजिस्टर्ड ऑफिस है, वो कहाँ पर है, कंपनी का नाम और एड्रेस, कंपनी के डायरेक्टर्स के नेम्स एंड एड्रेस, कंपनी के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, इस इशू में कौन कौन से रिस्क इन्वॉल्व हैं, मतलब कि जिस पर्पस से कंपनी ने ये इशू निकाला है, जिस भी पर्पस से कंपनी ने ये इशू निकाला है, मान लो कोई कंपनी एक नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहती है तो उस बिजनेस में क्या रिस्क इन्वॉल्व हैं, ये सारी चीज़ें कंपनी प्रॉस्पेक्टस में स्पेसिफाई करेगी. और आफ्टर रीडिंग द प्रॉस्पेक्टस, जनरल पब्लिक में से जिन लोगों को लगता है कि उनको बेनिफिट्स होंगे इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने से, तो वो लोग प्रॉस्पेक्टस रीड आउट करने के बाद कंपनी के शेयर सब्सक्राइब फॉर करने के लिए कंपनी को क्या देंगे, एप्लीकेशंस देंगे. बोलो क्लियर है? फर्स्ट पॉइंट टू इश्यू प्रॉस्पेक्टस. यस सर. यस सर. प्रॉस्पेक्टस में ये भी गिवन होगा कि किस डेट पे ये ऑफर ओपन होगा और किस डेट पे ऑफर क्लोज होगा. यानी मान लो कंपनी ने कहा 1st of January 2021 को ऑफर ओपन होगा, तो 1st of January 2021 से आप एप्लीकेशंस देना स्टार्ट कर सकते हो. और अगर कंपनी कहती है 5th of January को ऑफर क्लोज हो जाएगा, तो 6th of January को आप अप्लाई नहीं कर सकते, आपको 5th January को ही वर्किंग टाइम में, वर्किंग आवर्स के अंदर अपनी एप्लीकेशंस लगानी पड़ेंगी. क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट है टू रिसीव एप्लीकेशंस. देखो नेक्स्ट पॉइंट में, आफ्टर रीडिंग द प्रॉस्पेक्टस द पब्लिक अप्लाइज फॉर शेयर्स इन द कंपनी ऑन अ प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म. प्रॉस्पेक्टस के साथ जो एप्लीकेशन फॉर्म होता है वो प्रॉस्पेक्टस में अटैच्ड होता है. हालांकि ये फिजिकल प्रोसीजर बता रहे हैं, आजकल तो सब कुछ ऑनलाइन हो चुका है, लेकिन फिर भी क्योंकि हमारे सिलेबस में है तो पहले फिजिकल प्रोसीजर क्या था वो उसकी नॉलेज रखना भी जरूरी है. तो पढ़ो,
After reading the prospectus, the public applies for shares in the company on a prescribed form. Each application must accompany the application money, which is mentioned in the prospectus. Prospectus में application money stated होगी, prescribed होगी, जो कि applicant को company को देनी पड़ेगी while applying for the shares of the company. But it should not be less than 25% of the issue price of each share. अब सर ये issue price क्या है? आपने face value तो बताई थी. मान लो है face value हमारी share की face value है या nominal value है 10 rupees. Company अगर इसको 10 rupees पे ही issue कर रही है तो इसको बोलेंगे issue price. जिस rate पे company share issue करती है उसको बोलते हैं issue price. It can be equal to the face value or nominal value or greater than face value or nominal value like 18 rupees, 20 rupees, 100 rupees, 500 rupees. No limit is there. 10 rupees ki face value ka share 1000 rupees pe bhi company issue kar sakti hai. Depending upon the financial performance and financial position of the company. Agar company financially bahut sound hai, toh no doubt face value se कई गुना ज़्यादा रेट पे कंपनी अपना शेयर इश्यू करेगी क्योंकि पब्लिक इंटरेस्टेड होगी ऐसी कंपनी का शेयर परचेज करने में. लेकिन अगर कंपनी के फाइनेंशियल स्ट्रांग नहीं है तो फिर 10 रुपीज़ का शेयर 10 रुपीज़ पे ही इश्यू होगा क्योंकि पब्लिक में से बहुत कम कैंडिडेट्स ऐसे होंगे जो कंपनी के शेयर्स सब्सक्राइब फॉर करने का इंटरेस्ट रखते होंगे. बोलो बात समझ में आ रही है? यस सर. भाई एक कॉमन पर्सन को जहाँ बेनिफिट दिखेगा वही तो पैसा इन्वेस्ट करेगा. तो अगर कंपनी के फाइनेंशियल साउंड हैं, कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है पास्ट में, कंपनी का बिजनेस अच्छा है, कंपनी के पास ऑर्डर बुक भरी पड़ी है, यानी फ्यूचर में कंपनी को जो ऑर्डर्स डिलीवर करने हैं वो ऑर्डर बुक कंपनी की भरी पड़ी है. अगर ये सिचुएशन है, कंपनी के पास असेट्स की कोई कमी नहीं है, वैल्यू ऑफ असेट्स बहुत अच्छी हैं और लाइबिलिटीज बहुत मिनिमम हैं, तो ऐसी कंपनी तो बहुत साउंड है, हर कोई वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहेगा. तो इसलिए उस केस में नॉमिनल या फेस वैल्यू से ज़्यादा वैल्यू के ऊपर शेयर्स इश्यू किए जाएंगे. तो ये कह रहा है कि इट शुड नॉट बी लेस देन 25% ऑफ द इश्यू प्राइस ऑफ ईच शेयर, यानी एप्लीकेशन मनी. अगर मान लो 100 रुपीज़ में आपने शेयर इश्यू किया तो 25 रुपए से कम इश्यू प्राइस जो है 100 रुपीज़, तो इश्यू प्राइस का 25% यानी 25 रुपीज़ पर शेयर, इससे कम नहीं होनी चाहिए एप्लीकेशन मनी. एटलीस्ट 25 रुपीस पर शेयर तो आप शेयर होल्डर से, ये एप्लीकेंट से डिमांड करोगे ही करोगे. सर अगर 50 रुपीस है तो वही 25% कर लो, 12 रुपीस एंड 50 पैसा एटलीस्ट आपको एप्लीकेशन पे डिमांड करना है एप्लीकेंट से. अच्छा सर ये 25% की जो लिमिट है कि मिनिमम 25% मस्ट बी called up by the company at the time of receiving applications, ये कहाँ लिखी हुई है बेटा? ये लिखी हुई है, ये सेबी ने बनाई हुई है, ये सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये लिमिट सेबी ने डिसाइड कर रखी है. लिख लो इसको, सेबी ने डिसाइड कर रखा है एज पर सेबी. सेबी यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया. सर कंपनीज एक्ट में क्या लिमिट है? कंपनीज एक्ट में तो लिखा हुआ है कि मिनिमम 5% ऑफ द फेस या नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स मस्ट बी कॉल्ड अपॉन बाय द कंपनी एट द टाइम ऑफ रिसीविंग एप्लीकेशंस. कंपनीज एक्ट में लिखा हुआ है कम से कम 5%. 5% किसका? ध्यान रखना 5% ऑफ द नॉमिनल या फेस वैल्यू. ये इश्यू प्राइस है 100 रुपीज़ हमारे एग्जाम्पल में, शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपीज़ हो सकती है. तो कंपनीज एक्ट में तो लिखा हुआ है मिनिमम 5% ऑफ द नॉमिनल वैल्यू मस्ट बी कॉल्ड अप बाय द कंपनी एट द टाइम ऑफ रिसीविंग एप्लीकेशंस या सच हायर अमाउंट एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड बाय सेबी. अब सेबी ने हायर अमाउंट प्रिस्क्राइब कर दिया, इसलिए बुक में आपके लिखा हुआ है कि एटलीस्ट 25% ऑफ द इश्यू प्राइस मस्ट बी कॉल्ड अपॉन बाय द कंपनी एट द टाइम ऑफ रिसीविंग एप्लीकेशंस. आई होप क्लियर होगा. यस. इन चीजों में ज्यादा उलझना मत,
ये चीजें ऐसी नहीं है कि आप उलझो इनके अंदर, ठीक है ना? यस पढ़ो, जहां दिक्कत है क्लास में मेरे से पूछ लेना, डिस्कशन कर लेना, लेकिन इनको ज्यादा टिपिकल बनाने की जरूरत नहीं है। अब जो एप्लीकेशन मनी है वो पब्लिक कहाँ जमा कराएगी? तो जब पहले फिजिकल प्रोसीजर था, फिजिकल प्रोसीजर ही पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन की बात नहीं करेंगे अभी हम। द अमाउंट ऑफ शेयर एप्लीकेशन मनी मस्ट बी डिपोजिटेड बाय द पब्लिक इन अ शेड्यूल्ड बैंक। कंपनी एक शेड्यूल्ड बैंक में अपना अकाउंट ओपन करेगी और वहां पर एप्लीकेंट जाके अपना एप्लीकेशन फॉर्म अलोंग विद द एप्लीकेशन मनी कंपनी के बैंक अकाउंट में, शेड्यूल्ड बैंक अकाउंट में डिपोजिट करवाएगा। द नेम ऑफ द कंपनी शेड्यूल्ड बैंक इज ऑल्सो मैंशनड इन द प्रॉस्पेक्टस। कंपनी के शेड्यूल्ड बैंक अकाउंट का जो नेम है वो भी प्रॉस्पेक्टस में क्या होगा, स्टेटेड होगा कि कौन से शेड्यूल बैंक में कंपनी ने अपने अकाउंट ओपन कर रखा है, उसका अकाउंट नंबर क्या है, कौन सी ब्रांच में ओपन कर रखा है, एड्रेस ऑफ दैट ब्रांच, ऑल दोज इंफॉर्मेशन विल बी स्टेटेड इन द प्रॉस्पेक्टस। बोलो क्लियर? यस तो पॉइंट नंबर वन, टू इश्यू प्रॉस्पेक्टस, डन। पॉइंट नंबर टू, टू रिसीव एप्लीकेशंस फ्रॉम जर्नल पब्लिक, डन। नेक्स्ट पॉइंट है टू मेक अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। सर क्या एप्लीकेशंस रिसीव होते ही जनरल पब्लिक से डायरेक्टर्स अलॉटमेंट प्रोसीजर स्टार्ट कर देंगे? आंसर इज नो। इमीडिएटली डायरेक्टर्स अलॉटमेंट प्रोसीजर स्टार्ट नहीं कर सकते। आपको याद, मैंने आपको मिनिमम सब्सक्रिप्शन, यस और नो? आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। तो नेक्स्ट पॉइंट है टू मेक अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। तो मैंने पूछा क्या डायरेक्टर्स इमीडिएटली आफ्टर रिसीविंग द एप्लीकेशंस अलोंग विद एप्लीकेशन मनी अलॉटमेंट प्रोसीजर स्टार्ट कर सकते हैं? आंसर इज नो। क्यों सर? मैंने आपको पढ़ाया था ना मिनिमम सब्सक्रिप्शन का कॉन्सेप्ट, कि कंपनी को एटलीस्ट 90% ऑफ द इश्यूड शेयर कैपिटल कंपनी को एप्लीकेशंस रिसीव होनी जरूरी है, मस्ट है। एटलीस्ट 90% ऑफ द इश्यूड शेयर कैपिटल मस्ट बी सब्सक्राइब्ड फॉर बाय द पब्लिक, अदरवाइज द इश्यू विल बी कैंसल्ड। तो ये मिनिमम सब्सक्रिप्शन का क्राइटेरिया पहले सेटिस्फाई होना चाहिए। डायरेक्टर्स पहले ये चेक करेंगे कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ या नहीं हुआ। अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन रिसीव नहीं हुआ तो वॉट एवर एप्लीकेशन हैज बीन रिसीव बाय द कंपनी विल बी रिफंडेड बाय द कंपनी। कंपनी को एप्लीकेशंस के साथ जो भी एप्लीकेशन मनी रिसीव हुई है वो कंपनी को रिफंड करना पड़ेगा। तो पहले डायरेक्टर्स क्या चेक करेंगे, मिनिमम सब्सक्रिप्शन का क्राइटेरिया सेटिस्फाई हुआ या नहीं हुआ। तो देखो, आफ्टर द लास्ट डेट फिक्स फॉर द रेसीट ऑफ एप्लीकेशन मनी एक्सपायर्स, द बैंक सेंड्स ऑल द एप्लीकेशन टू द कंपनी। ये जो एप्लीकेशन शेड्यूल बैंक ने रिसीव की कंपनी के बिहाफ पर, ये बैंक कंपनी को सेंड करेगा। द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी कैन नॉट प्रोसीड टू अलॉट शेयर्स अनलेस मिनिमम सब्सक्रिप्शन मेंशन्ड इन द प्रोस्पेक्टस हैज बीन रिसीव्ड बाय द कंपनी। अब मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या है? सेक्शन 39 सब सेक्शन 1 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 प्रोवाइड्स दैट अ कंपनी कैन नॉट अलॉट एनी सिक्योरिटीज ऑफ द कंपनी टू द पब्लिक अनलेस द अमाउंट स्टेटेड इन द प्रोस्पेक्टस एज द मिनिमम अमाउंट हैज बीन सब्सक्राइब्ड एंड द सम्स पेबल ऑन एप्लीकेशन फॉर द अमाउंट सो स्टेटेड हैव बीन रिसीव्ड बाय द कंपनी बाय चेक और अदर इंस्ट्रूमेंट विच हैज बीन पेड। यानी प्रोस्पेक्टस में भी स्टेटेड होगा कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन का अमाउंट कितना होगा। ये जो अमाउंट है ये कंपनी को रिसीव होना चाहिए बाय चेक या बाय अदर इंस्ट्रूमेंट, वट एवर विच इज स्टेटेड इन द प्रोस्पेक्टस। के एप्लीकेशन मनी जनरल पब्लिक को किस वे में पे करनी है कंपनी को, चेक के थ्रू या और किसी इंस्ट्रूमेंट के थ्रू? ठीक है, बोलो बच्चों, क्लियर यहां तक? यस।
मिनिमम सब्सक्रिप्शन मीन्स द अमाउंट विच इन द ओपिनियन ऑफ द डायरेक्टर्स इज द मिनिमम टू बी रेज्ड बाय द इश्यू ऑफ शेयर सो एज टू प्रोवाइड फॉर द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट्स. यानी मिनिमम सब्सक्रिप्शन वो अमाउंट है जो इन द नॉलेज ऑफ डायरेक्टर्स, जो ये पॉइंट्स लिखे हुए हैं, इन पर्पजेस के लिए सफिशियंट हो. इन पर्पजेस के लिए सफिशियंट हो. देखो मिनिमम सब्सक्रिप्शन मींस द अमाउंट, वो अमाउंट विच इन द ओपिनियन ऑफ डायरेक्टर्स, जो कि डायरेक्टर्स के ओपिनियन में, उनकी नॉलेज में, इज द मिनिमम, जो मिनिमम है, टू बी रेज्ड बाय द इश्यू ऑफ शेयर्स, जो शेयर से कंपनी रेज करे, सो एज टू प्रोवाइड फॉर द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट्स, ताकि कंपनी की इन रिक्वायरमेंट्स को क्या करा जा सके, प्रोवाइड फॉर किया जा सके, इन रिक्वायरमेंट्स को सेटिस्फाई किया जा सके. फॉर द पेमेंट ऑफ परचेज प्राइस ऑफ एनी प्रॉपर्टी परचेज और एग्री टू बी परचेज, अगर कंपनी ने कोई प्रॉपर्टी परचेज कर ली है या उसके लिए एग्रीमेंट कर चुकी है उस प्रॉपर्टी को परचेज करने की, तो उस प्रॉपर्टी का जो परचेज वैल्यू है उसका पेमेंट करने के लिए वो सफिशियंट हो अमाउंट. फॉर द पेमेंट ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग अंडरराइटिंग कमीशन एंड ब्रोकरेज ऑन द इश्यू ऑफ शेयर्स. अब ये प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस क्या होते हैं, थोड़ा अपनी क्वेरी को रेस्ट दो, आज ही हम पढ़ेंगे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस के बारे में. तो कंपनी ने अगर कोई प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस इनकर किए थे, या अंडरराइटिंग कमीशन कंपनी को देना है, या शेयर्स के इश्यू पे कोई ब्रोकरेज देनी है ब्रोकर को, उसका पेमेंट करने के लिए ये अमाउंट सफिशियंट हो जो शेयर्स के इश्यू से रेज किया जा रहा है. थर्ड है फॉर द रीपेमेंट ऑफ एनी मनी बोरोड बाय द कंपनी फॉर द अबव पर्पजेस, अगर कंपनी ने कोई प्रॉपर्टी परचेज करने के लिए लोन लिया था, या फिर प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस करने के लिए कंपनी ने कोई लोन लिया था, तो उस लोन का रीपेमेंट करने के लिए वो अमाउंट सफिशियंट हो. कंपनी की वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए वो अमाउंट सफिशियंट हो. एंड फॉर एनी अदर एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर द यूजुअल कंडक्ट ऑफ द बिजनेस ऑपरेशंस. बोलो पांच पॉइंट समझ में आ रहे हैं ये? नाउ बॉटम में देखो पेज के, कंपनीज एक्ट 2013 हैज नॉट प्रिस्क्राइब्ड द मिनिमम सब्सक्रिप्शन. ये जो मिनिमम सब्सक्रिप्शन की 90% की लिमिट है, ये कंपनीज एक्ट 2013 में स्टेटेड नहीं है. कंपनीज एक्ट 2013, ऊपर भी देख लो, हमने सेक्शन 39 सब सेक्शन 1 में, जो कि कंपनीज एक्ट 2013 में गिवन है, वहां पर 90% से रिलेटेड कोई बात नहीं पड़ी. वहां तो हमने ये पढ़ा कि डायरेक्टर्स की नॉलेज में मिनिमम सब्सक्रिप्शन वो अमाउंट है जो कि इन 5 पॉइंट्स के लिए, इन 5 पर्पजेस के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट हो. इतनी पैसों की तो डायरेक्टर्स को जरूरत है ही है, जो कि कंपनी शेयर्स को इश्यू करके रेज करे, ताकि ये पर्पजेज, ये 5 पर्पजेज कंपनी के फुलफिल हो सके. वहां पर 90% के बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ, सेक्शन 39 सब सेक्शन 1 के अंदर 90% के बारे में कोई बात नहीं लिखी हुई. ये 90% की लिमिट हमें दे रखी है सेबी ने, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने. तो कंपनीज एक्ट 2013 हैज नॉट प्रिस्क्राइब्ड द मिनिमम सब्सक्रिप्शन. However, according to SEBI guidelines, minimum subscription has been fixed at 90% of the issued amount. Issued amount means, अगर कंपनी ने मान लो 1 lakh shares issue किए थे of rupees 10 each, तो issued amount कितना हो गया? 10 lakh rupees. ये issued amount हो गया. I hope clear होगा. Yes. As per section 39 subsection 3, the company has to get minimum subscription. Company को minimum subscription receive हो जाना चाहिए. कितने दिनों में? Within 30 days from the issue of prospectus. जिस date पे company ने prospectus issue किया, उससे 30 दिन के अंदर अंदर company को minimum subscription receive हो जाना चाहिए. और अगर within 30 days company को minimum subscription receive नहीं हुआ, तो वो इश्यू हो जाएगा कैंसल. और अगले 15 दिनों में, नेक्स्ट 15 डेज के अंदर, कंपनी ने जो भी एप्लीकेशंस रिसीव की हुई हैं उनको कंपनी को रिफंड करना पड़ेगा एप्लीकेंट्स को, क्योंकि इश्यू हो जाएगा कैंसल अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन रिसीव नहीं होता. तो अगर 15 डेज से डिले कर दिया कंपनी ने, तो क्या होगा? मान लो कंपनी ने प्रॉस्पेक्टस इश्यू किया January 1st को, तो January 31st तक कंपनी को मिनिमम सब्सक्रिप्शन मिल जाने चाहिए. यस और नो? 30 दिन के अंदर अंदर. हाँ सर, January 31st तक कंपनी को मिनिमम सब्सक्रिप्शन रिसीव
हो जाना चाहिए। अगर नहीं मिला जनवरी 31 तक तो फेब 15 तक कंपनी को एप्लीकेशन मनी रिफंड करनी पड़ेगी, और अगर फेब 15 तक कंपनी ने एप्लीकेशन मनी रिफंड नहीं की तो जितने दिन का डिले होगा उतने दिन का कंपनी को इंटरेस्ट भी पेमेंट करना पड़ेगा एट द रेट ऑफ 15% पर एनम। अगर 15 डेज के अंदर अंदर ये 15 दिन 15 डेज जनवरी 31st टू फेब 15 इन 15 डेज में कंपनी ने अगर एप्लीकेशन मनी जनरल पब्लिक को रिफंड नहीं की, एप्लीकेंट्स को रिफंड नहीं की, तो जितने दिन कंपनी डिले करेगी उतने दिन का कंपनी को क्या पे करना पड़ेगा, इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। किस रेट से? एट द रेट ऑफ 15% पर एनम। बोलो क्लियर है? यस सर। आ जाओ नेक्स्ट पेज के ऊपर। ईच अलॉटी विल बी इश्यूड शेयर सर्टिफिकेट्स फॉर एलिजिबल नंबर ऑफ शेयर्स। जब कंपनी अलॉटमेंट करना स्टार्ट करती है तो हर अलॉटी को कंपनी शेयर सर्टिफिकेट इश्यू करेगी। कंपनी क्या इश्यू करेगी? शेयर सर्टिफिकेट्स इश्यू करेगी, और शेयर सर्टिफिकेट्स के ऊपर अलॉटी का नेम और उसके टोटल नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड टू हिम या हर, और नंबर ऑफ शेयर्स के साथ शेयर्स की नंबरिंग भी बताएंगे। मान लो मैं को किसी कंपनी के 100 शेयर्स अलॉट होते हैं तो शेयर सर्टिफिकेट पे लिखा होगा कि शेयर नंबर 901 to 1000 हैव बीन अलॉटेड टू मिस्टर कृष्णकांत शर्मा, इस टाइप से। यानी शेयर्स के ऊपर नंबरिंग होती है, शेयर प्रॉपरली नंबर्ड होते हैं, ये मैंने पढ़ाया था आपको प्रीवियस क्लासेस के अंदर कि शेयर्स प्रॉपरली नंबर्ड होते हैं ताकि उनको आइडेंटिफाई किया जा सके। तो शेयर सर्टिफिकेट पे अलॉटी को ये भी बताया जाएगा कि आपको कौन से नंबर से किस नंबर तक के शेयर्स अलॉट हुए हैं, ये होती है नंबरिंग। इन केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स, अब सर ये क्या है? मान लो कंपनी ने 1 लाख शेयर्स इश्यू किए थे और पब्लिक से भी 1 लाख शेयर्स की ही एप्लीकेशंस रिसीव हुई, तो कंपनी पूरे 1 लाख शेयर्स इन एप्लीकेंट्स को अलॉट कर देगी? यस सर। यहां पर ना तो अंडर सब्सक्रिप्शन है ना ही ओवर सब्सक्रिप्शन है। अंडर सब्सक्रिप्शन क्या होता है? मान लो कंपनी ने इश्यू किए 1 लाख और पब्लिक से एप्लीकेशंस रिसीव हुई ओनली 92,000, इसे बोलेंगे अंडर सब्सक्रिप्शन। अंडर सब्सक्रिप्शन, मिनिमम सब्सक्रिप्शन का क्राइटेरिया तो फुलफिल हो ही गया 90% का, 1 लाख का 90% 90,000, तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन तो सेटिस्फाई हो गया। अब केवल 92,000 शेयर्स के लिए ही एप्लीकेशंस रिसीव हुई तो कंपनी 92,000 शेयर्स ही अलॉट करेगी, सिंपल सी बात है, ठीक है ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें? चीज समझ में आ रही है ना आप लोगों को? अब मान लो कंपनी ने इश्यू तो किए 1 लाख जबकि पब्लिक से सब्सक्रिप्शन मिली 2 लाख शेयर्स की, इसे बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। इसे बोलते हैं बच्चों ओवर सब्सक्रिप्शन, यानी एक्सेसिव नंबर ऑफ शेयर्स हैव बीन अप्लाइड बाय द पब्लिक। इस केस के अंदर कंपनी क्या कर सकती है? या तो 1 लाख शेयर्स के एप्लीकेंट्स को लेटर ऑफ रिग्रेट इश्यू करके उनकी एप्लीकेशंस को रिजेक्ट कर दे, और जो रिमेनिंग 1 लाख हैं, जैसे भाई 2 लाख एप्लीकेंट्स हैं और अलॉट करने हैं 1 लाख शेयर्स, तो कंपनी दो तरीके से अलॉटमेंट कर सकती है। पहला क्या है? 2 लाख में से 1 लाख शेयर्स के एप्लीकेंट्स को लेटर ऑफ रिग्रेट दे दे और उनको एक भी शेयर अलॉट ना करे, उनकी एप्लीकेशन मनी रिफंड कर दे, और जो रिमेनिंग 1 लाख एप्लीकेंट्स हैं उनको ये 1 लाख शेयर्स अलॉट कर दे फुल्ली। एक तरीका तो ये है। बोलो बात समझ में आई? जवाब दो बच्चों। यस सर। अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो मान लो आप लोग क्लास में 10 स्टूडेंट्स हो, ठीक है? किसी दिन मैं आ रहा था, घर से आ रहा था स्कूल की तरफ, तो मेरा मन किया चलो आज बच्चों को चॉकलेट खिलाई जाए, तो मैंने 9 चॉकलेट्स मैंने मार्केट से परचेज की और मैं आ गया स्कूल में।
स्कूल में आया तो मैंने देखा 15 स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं क्लास में। अब मैं क्या कर सकता हूं, मेरे पास क्या ऑप्शंस हैं? या तो इन 9 चॉकलेट्स में से मैं टुकड़े कर करके 15 स्टूडेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दूं तो सब एंजॉय कर लेंगे चॉकलेट्स, और या फिर ये होगा कि 6 स्टूडेंट्स को मैं बोलूं बेटा सॉरी आपके लिए अवेलेबल नहीं है, और रिमेनिंग 9 को पूरी पूरी एक चॉकलेट में क्या कर दूं, दे दूं, तो 15 में से 9 स्टूडेंट्स तो चॉकलेट एंजॉय कर लेंगे और रिमेनिंग 6 स्टूडेंट्स को मिलेगा नथिंग, कुछ भी नहीं। तो वही तो चीज़ हम यहाँ पे कर रहे हैं। 2 लाख एप्लीकेशन हमें रिसीव हुई, 1 लाख शेयर्स ही अलॉट करने हैं, तो या तो ये 2 लाख इस वे में अलॉट करें कि 1 लाख को तो हम कुछ भी ना दें, लेटर ऑफ रिग्रेट दे दें यानी खेद पत्र दे दें, और साथ में उनकी एप्लीकेशन मनी रिफंड कर दें जो उन्होंने एप्लीकेशन के साथ अटैच करके शेड्यूल बैंक में जमा कराई थी कंपनी के बैंक अकाउंट में, और जो रिमेनिंग 1 लाख शेयर्स के एप्लीकेंट्स हैं उनको पूरे के पूरे 1 लाख शेयर्स अलॉट कर दें। दूसरा एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये है कि 2 लाख एप्लीकेंट्स को, शेयर्स के एप्लीकेंट्स को प्रोपोर्शनेट बेसिस पे 1 लाख शेयर्स अलॉट कर दिए जाएं। प्रोपोर्शनेट बेसिस यानी प्रो राटा बेसिस। अब प्रो राटा बेसिस क्या होता है? हर वो एप्लीकेंट जिसने 2 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था उसको 1 शेयर अलॉट किया जाए। तो ये तो इक्विटी मेंटेन होगी ना, यहां पर तो किसी के साथ हम कुछ गलत नहीं कर रहे, किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा, कोई भेदभाव नहीं हो रहा, यस और नो? यस। हर पर्सन को, हर एप्लीकेंट को कुछ ना कुछ शेयर्स अलॉट होंगे इस केस में। ये तो यहां पर तो डिस्क्रिमिनेशन हो गया कि किसी को तो आपने 1 शेयर भी अलॉट नहीं किया और किसी को जिसने उसने अप्लाई किए थे उतने ही उसको अलॉट कर दिए, ये तो गलत है। इसलिए प्रो राटा बेसिस पे कंपनी क्या करती है? अलॉटमेंट करती है। ये केवल चॉइस कंपनी की होती है, यहाँ पर जनरल पब्लिक कुछ नहीं कह सकती कि आपने ये कैसे फॉलो किया, ये कंपनी की चॉइस है। तो देखो, इन केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स द अलॉटमेंट शैल बी ऑन अ प्रोपोर्शनेट बेसिस अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड फॉर। फॉर एग्जाम्पल, If a company issues a prospectus inviting applications for 1 lakh shares and if applications are received for 4 lakh shares, 4 times ज़्यादा applications receive हुई हैं, the issue has been oversubscribed by 4 times. In such a case, an applicant in the category of 500 shares, एक person है जिसने 500 shares के लिए application लगाई, उसको कितने मिलेंगे? 500 का 1/4 यानी 125 शेयर्स ही उसको क्या होंगे? अलॉट होंगे। बोलो क्लियर है क्या? यस सर। एज अ रिजल्ट ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन सम एप्लीकेशंस मे बी रिजेक्टेड इन फुल। अगर ओवर सब्सक्रिप्शन है तो देखो इस तरीके से भी हो सकता है, 2 लाख में से 50,000 को मिलेगा नथिंग, लेटर ऑफ रिग्रेट इश्यू करेंगे और एक भी शेयर अलॉट नहीं करेंगे। एक कैटेगरी तो मैंने ये बना दी। कैटेगरी नंबर सेकंड, 50,000 को तो दे रहे हैं निल। कैटेगरी नंबर सेकंड, 1 लाख को दे रहे हैं 80,000 शेयर्स। 1 लाख को दे रहे हैं 80,000 शेयर्स। और कैटेगरी नंबर थर्ड, कितने बचा रिमेनिंग? 50,000 एप्लीकेंट्स और रिमेनिंग नंबर ऑफ शेयर्स टू बी अलॉटेड 20,000। इनको 20,000 दे दिए। और कोई कैटेगरी बनानी है और बना लो, कहाँ दिक्कत है? 50,000 को निल, 50,000 को पूरे 50,000 फुल अलॉटमेंट, और थर्ड कैटेगरी प्रो राटा बेसिस पे कर दो 1 लाख को 50,000। ऐसे भी हो सकता है कि 50,000 शेयर्स के एप्लीकेंट्स को तो कुछ भी नहीं अलॉट कर रहे, फिर नेक्स्ट 50,000 को पूरे 50,000 अलॉट कर रहे हैं, और जो रिमेनिंग 1 लाख शेयर्स के एप्लीकेंट्स हैं उनको केवल 50,000। यानी ये हो गया प्रोपोर्शनेट बेसिस, ये फुल अलॉटमेंट और ये निल अलॉटमेंट। तो वो कह रहे हैं एज अ रिजल्ट ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन सम एप्लीकेशंस मे बी रिजेक्टेड इन फुल, इसकी बात कर रहा है। अदर्स मे बी पार्शली एक्सेप्टेड, इसकी बात कर रहा है।
ठीक है ना, एंड स्टिल अदर्स मे बी एक्सेप्टेड इन फुल, सेकेंड पॉइंट की बात कर रहा है। Those who are allotted shares are sent letter of allotment. जिनको shares allot किए जाते हैं उनको letter of allotment issue किए जाते हैं, और जैसे ही letter of allotment उनको issue होता है साथ में allotment money भी due हो जाती है, यानी along with letter of allotment, allotment money will be made due. उनको देना पड़ेगा company को allotment money, ठीक है। Those who are not allotted shares are sent letter of regret. जिनको कोई भी शेयर अलॉट नहीं किया जाता उनको लेटर ऑफ रिग्रेट इश्यू किया जाता है, और साथ में जो भी एप्लीकेशन मनी उन्होंने कंपनी को पे की थी वो रिफंड की जाती है। बोलो बच्चों, क्लियर है? Yes, sir. तो तीन स्टेप मैंने करवा दिया आप लोगों को, टू इश्यू प्रॉस्पेक्टस, ठीक है ना, सेकेंड टू रिसीव एप्लीकेशंस, एंड थर्ड टू मेक अलॉटमेंट। अब एक स्टेप बाकी है टू मेक कॉल्स, और नेक्स्ट टॉपिक है फिर हमारा प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। ये बेटा हम करेंगे कल की क्लास में, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही, इन डिटेल्स को ध्यान से पढ़ना, अगर कोई डाउट्स हो तो कल की क्लास में अपनी क्वेरीज रेज करना, ठीक है बच्चों? ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू, गुड बाय। नाइस डे सर।